क्वेश्चन नंबर 45। अगर दो ए और बी हैं, उनकी जो एजिस का रेशियो है, सॉरी बी मान लिया, एजिस का रेशियो जो है वो किसके इक्वल है, 3:1 के। अगर हम इसे इसकी एवरेज, इसकी जो इनिशियल एज है वो प्रेजेंट एज जो है ए मान लेते हैं, बी की बी मान लेते हैं। अब ए पे 15 साल बाद की बात बता रहे हैं आगे इसमें क्वेश्चन में, बी प्लस 15 ए प्लस 15, फिर इनका रेशियो जो रह जाता है 2/1 रह जाता है। अब हमें पूछा गया है ए और बी कितना है, परसेंटेज पूछी गई है। तो अगर हम इसमें देखें, पहली इस एक इक्वेशन इससे बन जाएगी पहले से, ए इज इक्वल टू 3b। अब हम वही चीज, अब पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड वाली को, ए प्लस 50 इज इक्वल टू 2b प्लस 30। तो अब हम एक जगह 3b पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन पुट कर देंगे, 3b प्लस 15 इज इक्वल टू 2b प्लस 30। ठीक है, अब b इज इक्वल टू आ जाएगा 15। अगर b 15 आ जाता है तो a कितना आ जाएगा, 45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।